जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान किसान कृषि यंत्र योजना 2024-25। जी हां साथियों, अगर आप किसान हैं और आपको कोई भी कृषि यंत्र खरीदना है तो उसमें सरकार सब्सिडी दे रही है। 40% से 50% तक आपको सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है। इसको मैं सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, एकदम अच्छी प्रकार से संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। कौन कौन से यंत्र आप खरीद सकते हैं, यंत्र कोई ऐसा यंत्र वंत्र इसका मतलब तो समझ गए ना क्या है यंत्र, जैसे हल हो गए, एरू हो गए, थ्रेसर हो गई, बीज ओढ़ने की मशीन हो गई, ठीक है, डिश हो गए, जो हम डिश लगाते हैं खेतों में, वो ये चीज़ें होती हैं। तो इनको खरीदने के लिए सरकार जो है सब्सिडी दे रही है। बिल्कुल, क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज चाहिए, क्या ये पात्रता शर्तें हैं, क्या दिशा निर्देश हैं, पूरी की पूरी क्या गाइडलाइन है, पूरी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा एकदम आसान और सरल भाषा में। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन आवेदन कब से भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट बहुत नज़दीक है, इसलिए आप सभी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ई मित्रों के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी पूरी जानकारी को समझो पहले, उसके बाद में फिर आप आवेदन करें। अगर आप पात्र हैं तो ही आवेदन करें, अगर आप पात्र नहीं हैं तो आवेदन नहीं कर पाओगे, ठीक है साहब। पूरी जानकारी को समझेंगे। फिर भी आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी पूरी जानकारी को समझ लेते हैं, क्या क्या जानकारी है इसमें वो हम एक बार देख लेते हैं। राजस्थान किसान कृषि यंत्र योजना 2024, किसानों को कृषि यंत्र उपकरण खरीदने पर मिलेगी 40% से 50% तक सब्सिडी। हल खरीदो, थ्रेसर खरीदो, उर्वरक मशीन जो है, एरू, तवे, रोटावेटर जो भी है वो खरीदने के लिए, ठीक है। 200 करोड़ का बजट पास है, 66,000 किसानों की बल्ले बल्ले, यानी कि 66,000 किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वजन सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। जरूरी दस्तावेजों की भी बात करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। राज्य किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। लास्ट डेट 13 सितंबर 2024 रहने वाली है। 13 सितंबर से पहली ही फार्म भरना पड़ेगा अगर लाभ लेना है तो, नहीं तो फिर बंद हो जाएगी साइट, ठीक है साहब। ई मित्र के माध्यम से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है साहब। ई मित्र वाले के पास चले जाना, वो आपका फॉर्म भर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारी चर्चा कर लेते हैं। ये लो साहब, ये रही पूरी की पूरी और भी जानकारी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे, ठीक है साहब। और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आप आवेदन करोगे ई मित्र के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर, बिल्कुल साहब। अच्छा, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार वाली, वो कहाँ पर मिलेगी? वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, उसका लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। अच्छा, आप देखो, आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। और जो भी इसकी नोटिफिकेशन वगैरह होती है, योजनाओं से संबंधित जो भी खबरें आती हैं, वो कहाँ पर डाली जाती हैं? ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं और व्हाट्सअप चैनल पर भी डाल दी जाती हैं। सभी साथी टेलीग्राम से भी अवश्य जुड़ जाएँ और व्हाट्सएप में भी फॉलो कर लो साहब, ठीक है जी। आ जाओ फटाफट देखा, राजस्थान किसान कृषि यंत्र योजना किन किन को मिलेगा इस योजना का लाभ? तो पहले तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि भाई लाभ किन किन को मिलेगा, सभी को मिलेगा क्या या फिर किन को मिलेगा। एससी एसटी के किसान हैं, लघु सीमांत छोटे किसान हैं, महिला किसान हैं, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है ना। जो छोटे किसान हैं लघु सीमांत वाले, उनको ही लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि साहब हमारी तो 20 बीघा ज़मीन है, हमको भी इसका लाभ मिल जाएगा क्या, 100 बीघा ज़मीन हमको भी इसका लाभ मिल जाएगा क्या, नहीं। मतलब 6-7 बीघा तक ज़मीन है तो आप इसका लाभ आराम से उठा सकते हैं, ठीक है साहब। अच्छा, आगे बात करें उपकरण कौन कौन से मिलेंगे। रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंड फार्मर, रिपर, सीड ड्रिल और बाकी मशीन, डिस्क, एरू, तवा हुआ, सारी मैथान पहले ही बता दियो, ठीक है जी। ज़रूरी दस्तावेजों की बात करें तो ज़रूरी दस्तावेज देख लो भाई, सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए जो सबके पास है, बिल्कुल साहब। जमाबंदी होनी
होनी चाहिए भाई, खेती है तभी तो सामान लोगे आप, तो खेती की जमाबंदी की नकल भी लगेगी, बिल्कुल साफ। ट्रैक्टर भी होना चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं है कि साहब ट्रैक्टर नहीं है हमारे पास, ट्रैक्टर की आरसी भी होनी चाहिए, वो भी लगेगी, आरसी लगेगी उसमें फॉर्म भरते समय। बैंक की पासबुक होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, उस पर ओटीपी जाएगा, फोटो वगैरह होनी चाहिए, या थारो सो दो लियो साहब छोटो सो, ठीक है जी। एक जन आधार कार्ड में एक ही आवेदन कर सकता है, इस बात का भी ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं है कि आप एक ही जन आधार कार्ड से दो भाई हो दोनों ही आप आवेदन कर सकते हो क्या, ना, एक ही आवेदन कर पाएगा, एक जन आधार कार्ड से एक को ही लाभ मिलेगा, ठीक है साहब। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फिर उसकी प्रिंट आउट निकलवा के फाइल तैयार करवानी है और कृषि विभाग के कार्यालय में आपको जमा करवानी है। कृषि पर्यवेक्षक जो होते हैं अपने खेता में आता रही ना, कंपनी वाला भी खूब आता रही, इनसे भी जानकारी ले सको, ठीक है, वो भी आपका ये काम करवा देंगे। और भी जो आपकी जानकारी में है कोई कृषि विभाग से, तो आप वहां जा कर के संपर्क करें, वो भी आपको पूरी जानकारी समझा देंगे, सारी चीज़ें बता देंगे, क्योंकि उनका रोज का काम होता है। आप उनसे मिलें, बातचीत करें, सारी चीज़ें समझें और फिर उसके बाद आप आवेदन करें, ठीक है साहब, बिल्कुल। अब देखो इसमें, जैसे ही आप फॉर्म भर करके कार्यालय में जमा करवाओगे, कृषि पर्यवेक्षक को दोगे, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होते हैं उनको आप दोगे, तो फिर जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, फाइल तैयार है भाई, फाइल चेक होगी वहां जाके, चेक होने के बाद में फिर आपकी फाइल को डन किया जाएगा, सफल हो जाएगी आपकी, अप्रूव हो जाएगा आपका फॉर्म। उसके बाद आपको एजेंसी से माल खरीदना है, और माल खरीदने के बाद में कुछ भी लो, कुछ भी सामान लो भाई, वो 3 साल तक एक ही चीज़ का लाभ दिया जाएगा आपको, ठीक है। फिर दोबारा से अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो 3 साल बाद ही मिलेगी भाई साहब, ऐसा नहीं है कि तुम तो हर साल ही खरीद दोगे सब कुछ। जैसे मान लो तुमने सीड ड्रिल मशीन ले ली अपने ओरने की, ओरबा करने की जो मशीन आती है वो ले ली आपने, तो अब 3 साल के बाद में ही दूसरा सामान आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप हर साल खरीदते ही चले जाओगे और आपको छूट मिलती रहेगी, आदत बचत होगी ना, आप तो मौज होगी साहब, लेता है ना सबकी मिलेर गेर दे एक बार, तो ऐसा नहीं होगा। 3 साल में एक सामान आपको मिलेगा, उसी में छूट मिलेगी, बाकी तो तुम अपने पैसे से कुछ भी खरीदो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपका फॉर्म अप्रूव हो जाए ना, उसके बाद में आपको सामान खरीदना है, और सामान खरीद के पक्का बिल लेना है, और उस बिल को फिर आप अपलोड करोगे, अपलोड करवाते ही आपके पैसे खाते में डाल दिए जाएंगे साहब, जो भी सब्सिडी होगी वो आपको मिल जाएगी, 30 से 40 हज़ार रुपये तक आपकी सब्सिडी आ जाती है, ठीक है जी। तो ये सबके अनुसार अलग अलग मिलेगी, सामान जितने का है उसके अनुसार अलग अलग मिलती है, ठीक है साहब। अब बात करते हैं साहब इसकी वेबसाइट वगैरह कुछ बता दूंगा कि बिल्कुल, देखा कोशिश तो कर दिया था ना, बता ही दिया है ना, ये लो जी, इसको तो हम हटा देते हैं, हाँ, अब हम यहाँ से गूगल क्रोम खोल लेते हैं, और यहाँ पर क्या सर्च करें साहब, यहाँ पर हम सर्च करेंगे भाई, एक मिनट, राज किसान साथी पोर्टल, राज किसान आ गया क्या, राज किसान साथी ये आ गया, अरे दब जा। देखो भाई इस प्रकार से आपको राजस्थान राज किसान साथी पोर्टल खोलना है ना, तो ऐसे गूगल पे सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे सर्च करते ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर सारी चीज़ें। खुल जा भाई, खुल जा फटाफट, खुल जा, बाट देख रहा, हाँ, इसको यहाँ से कट कर देना, ऐड आते हैं ये, अब ये है तुम्हारा राज किसान साथी पोर्टल। अब इसको मैं क्या करूँ भाई, दिखाऊंगा आपको एक बार अच्छी प्रकार, देखो ये सारी की सारी योजना, खेत तड़ाई, डिग्गी, सिंचाई पाइपलाइन, जल होज, फंवारा सेट, खेतों की तारबंदी, कृषि यंत्र, तो अपने तो कृषि यंत्र की बात करें, तारबंदी की मैंने वीडियो बना रखी है, आराम से देख सकते हैं, ये है कृषि यंत्र, कृषि यंत्र पर हम क्लिक करेंगे तो इस पर पूरी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ से, ठीक है साहब। ई मित्रों के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको प्रूफ के लिए दिखा रहा हूँ कि भाई आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये चीज़ होती है, ठीक है ना, बाकी तो आप कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो। देखो भाई यहाँ से आप आराम से चेक कर सकते हो, कृषि यंत्र का उद्देश्य क्या है कि उन्नत करते कृषि यंत्रों के उपयोग से समय श्रम की बचत होती है, अनुदान मिलता है इसमें 40 से 50% तक अनुदान मिलता है,
ठीक है बिल्कुल साहब। पात्रता चयन प्रक्रिया मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी वगैरह सब कुछ, ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र अनुदान प्राप्त, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन भी आवेदक के नाम से होना चाहिए यानी कि आरसी होनी चाहिए। एक किसान को किसी भी एक प्रकार से कृषि यंत्र पर 3 साल की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया 3 साल में एक बार ही आपको इसका लाभ मिलेगा, फिर दोबारा 3 साल बाद ही बात भाई, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया ई मित्र केंद्र पर जाकर जनाधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ये, और आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, ये क्लिक कर दिया साहब, ठीक है यहाँ क्लिक कर दिया, SSOID लॉगिन करो, फलाना करो, जनाधार नंबर लगाओ, ये रहा तुम्हारा, यहाँ सबमिट कर दो, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सारी चीज़ समझा दिया। अच्छा फिर मिलूँगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएँ निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने को दिखाई है इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप जाके वहां से भी फॉलो कर सकते हैं जाके सीधा, और वैसे गूगल पे आप सर्च कर लो कोई दिक्कत नहीं है, राज किसान साथी तुरंत आ जाएगी जैसे मैंने आपको दिखाया है। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।